उत्तर पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस की टीम ने बीमा पॉलिसी का रिफंड दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इसके तहत धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर पूर्वी जिले के DCP डॉक्टर जॉय टिकरी के मुताबिक आरोपियों की पहचान विपिन पाल, शिवांशु कुमार और फरमान के रूप में की गई है। दरअसल उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस की टीम के समक्ष एक बीमा पॉलिसी का रिफंड दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया और मैनुअल व टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए इस मामले से जुड़े आरोपियों की पहचान की गई। इसी बीच पुलिस टीम में तैनात एक पुलिसकर्मी को इस मामले से जुड़े आरोपियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। तुरंत देहरादून में उत्तराखंड के कई इलाके में ट्रैप लगाकर इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से इनके 8 मोबाइल फोन, 11 सिम, 28 ATM कार्ड व अन्य तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक यह 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अपने लगातार ठिकाने बदलते रहते थे और अलग अलग जगह पर अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे। वहीं जानकारी के मुताबिक आसानी से पैसे कमाने और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 3 आरोपी बीमा पॉलिसी का रिफंड दिलाने के नाम पर ठगी करने की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं। उत्तर पूर्वी जिला की थाना साइबर पुलिस टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बीमा पॉलिसी के रिफंड के नाम पर लोगों से ठगी किया करता था। हालांकि जब पुलिस को इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत पुलिस टीम ने देहरादून और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में ट्रैप लगाया और इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके कब्जे से तमाम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और तमाम सिम कार्ड, फोन्स, लैपटॉप आदि ये बरामद किए गए। हालांकि जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने खुलासा किया कि यह जल्द पैसे कमाने के लालच में और अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पिछले कई समय से लोगों को बीमा कंपनी के रिफंड के नाम पर लोगों से ठगी की वारदातों को अंजाम देते हुए आ रहे थे। फिलहाल कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।